मुझसे बात हुई इसको कह रहा है इतना पानी गिर रहा दीदी इतना पानी गिरेगा कभी ज्यादा पानी वैसे तो बांध फटवे की संभावना है। अब तक तो बेचारे भी और नाकुन के डैन के माँ रात रात भर जागे छत्तन पर भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग के साथ। तो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, सभी को राधे राधे। तो गाइज, नहा के हम तैयार हो चुके हैं और सुबह के बज गए होंगे वही 7:30। और आज गाइज 4 बजे से मौसम ख़राब है, 4 बजे रात से, 4 बजे रात से अच्छा खासा पानी भी गिर रहा है। और गाइज, आई फ्लू सीजन इतना ज़्यादा चल रहा है कि हम क्या बताएं। आज हमारी देखो ये वाली आँख भी आपको थोड़ी थोड़ी लाल दिख रही हुई है और वैसी सूजन टाइप की भी है और वैसी अजीब सो आज मतलब लग रहा है ऐसो के जिस शायद है कि आज इसको तो आना है। तो दवाई तो हमने रात में डाल ली थी इसमें, अब अभी सुबह भी डाले लेत नहीं हुई है। तो एक बार देखो गाइस, आज मौसम इस तरह से है, पानी वानी बरस रहो, अभी भी बरस रहो। देखो मम्मी जने का कर रही हूँ, हमारी मम्मी सफाई कर रही। मम्मी जी राधे राधे, का कर रही तुम जो फसेला कीड़ा। अच्छा अच्छा, तो गाइस हमारी मम्मी को क्या जो है वो रात में वो लाइट की वजह से भी आप काली बाई कीड़ा छोटे छोटे उन किरण को जी पानी में हो निकाल लें कि जब बह जाए काम में नहा लो तुमने कहा। अच्छा चलो ठीक है, राधे भाई साहब नहा लिया। हाँ पाउडर आपने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है। देखो गाइस पाउडर जो ज़्यादा लगाया हो आज है, देखो अब मैं लान लगी जी इतना ना लगाओ करे। हाँ कपड़ा पहन लो चलो है। और गाइस जी एक भैया पूछ रहे कमेंट में, उनने 2 बार कमेंट कर लो के भैया आपकी लड़की कहाँ है, आपकी लड़की कहाँ है। तो भैया हमारी लड़की नहीं है, हमारा केवल एक ही लड़का है। हमने 1-2 बार बता भी दी वीडियो में, फिर से भी बता रहे क्योंकि उनने 2 बार कमेंट कर लो। तो हमने सोची कि चलो वीडियो के माध्यम से उन्हें बता दें ताकि अब भी आगे चल के नहीं पूछें। और गाइज अगर आपने उन भैया ने अगर हमारी पिछले वीडियो में अगर वो छोटी गुनगुन को अगर देखो ही हुई है, तो गुनगुन हमारी बहन की लड़की है, यानी छोटी वाली बहन की लड़की है, डबरा की हैं जो बहन उनकी लड़की है वो। तो हमारी मतलब भाने जन है भाई, अगर यश के साथ उनको अगर आपने देखा हुए तो भी हमारी भाने जन है छोटी, बाकी हमारी लड़की नहीं है। केवल अकेले एक ही कुंवर हैं ये बैठे देखो पीछे कपड़ा पहन रहे यश दाऊ। हेलो मैडम जी, राधे राधे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। काका बना रही हो? बना है पोए यश के लाने। यश के लिए पोए? हाँ। तो गाइस देखो ये बना रही पोए यश के लाने, हमारा लाने तो रोटी बना दियो। हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो गाइज एस का पोहा तो बन गया है, बाकी हमारा खाना अभी बनना है। देखो गाइज सब्जी बन गई है, ये तो देखो निधि रोटी बना रही है हमारा लाना, और लाइट चली गई। आज अंधेरा अंधेरा है पूरी में क्योंकि गाइज मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा, और मतलब मौसम की वजह से लाइट काट गई तो अंधेरा होगा पूरे में। और वैसे ही आज बादल को भी वैसे ही अंधेरा टाइप को है, तो पानी वैसे तो अंधेरा हाँ तो वही तो सुबह आज गाइज अंधेरा है। तो देखो मोबाइल की टॉर्च जलाएं जो ऊपर रखे हैं, इन्हें कुछ दिखा नहीं रहा है। कहा भैया तुम्हें रोटी बना वो नहीं दिखा रहा होगा? नहीं दिखा रहा हूँ, उजीली में दिखा रहा हूँ। अच्छा तो अब क्या करें, जलाने हेल्पर हैं बेचारे भी, क्या करें। सही करो तुमने। तो दोस्तों वर्षा इतनी हो रही हमारे थे, बारिश इतनी हो रही कि हम आपको बताएं का मतलब 4 बजे रात से कंटिन्यू पानी गिर रहा हूँ। देखो गाड़ी भी रखी तो गाड़ी तक हमें पहुँच भी में भी लग रही कि हम कैसे पहुँच जाएं। देखो जे भैया भैंसें जा रही हैं, जे चरवे के लाने चली जा रही। चलो क्या करेंगे, स्कूल का टाइम हो रहा है तो निकलना तो है ही, चाहे पानी बरसे चाहे कुछ भी हो, ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना पड़ेगी। क्या कह रहे हैं भींजे जाता भाई, तो दिन भर चौके से चिपके रहने भींजे जाते हैं। चलो ठीक है। तो गाइज हम घर आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, और हम कितने गए थे आपको बता के भी नहीं गए, और ना भूल के गए थे कि हम कितने जा रहे। तो गाइज हम गए थे मंजली बहन के यहाँ,
और उनके यहाँ इसलिए गए थे क्योंकि जीजा जी ने फ़ोन लगाओ तो हमें कि भैया तुम काफ़ी दिन से आए नहीं हैं तो हो जाओ, तो इस वजह से गाइस हम चले गए थे। और उनके यहाँ का आपको वीडियो इसलिए नहीं दिखवा पाया क्योंकि वे लोग मतलब वीडियो में आत नहीं है, वे लोग कद के हमें भैया वीडियो बनवाना नहीं है तो आप लोगों ने होते को तो नहीं दिखवा पाओ। बाकी उतर से आत हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी होगा, वही 7:30 बज गए होंगे, वो 8 भी बज गए होंगे, मैंने अभी टाइम तो नहीं दिखा है। और हम अभी हाल घर पे पहुँचे हैं, चलो देखते हैं कि अंदर भाई कौन क्या कर रहा है। सो देखिए गाइस इधर तो निधि है नहीं, कमरा के खुले हैं गेट, अंदर देखते हैं भाई। ओ भाई साहब तुम्हें तो कहाँ बैठे हैं? बैठ गए सुसंजा करके, तुम्हें तो ही बैठ गए। कैसी बैठ गए, कछु बातचीत हो गई का? उसे कछु बातचीत नहीं हो गई था ना। कैसी तनक कछु पिरा रहो का? फिर काय बैठी है ऐसे? बुरा लग रहा। की को बुरा लग रहा? अबे हम उससे बात हो रही सो कह रहा है इतना पानी गिर रहा दीदी, इतना पानी गिरेगा के तला की मुश्किल दिखाई, इतना पानी रुक रो भी लाखों बहन गिर रहा कह रहा के दीदी इतना 7 साल हो गई तला बंद, जब से नहीं इतना तला भर रहा है, इतना मतलब खूब पानी गिर रहा है, इससे ज्यादा पानी वैसे तो बंद फटवे की संभावना है। सो तुमने कहाँ से देख लिया वीडियो? वीडियो भेज चुका हूँ उन्हें बनाकर। हाँ व्हाट्सएप पर भेजा था। वीडियो भेजो। हाँ इतना भयंकर पानी आ गया ऊपर। इतना पानी के आज तक वो अपन ने कहा इतने गली आती है अपने इतने से बाहर निकला में। शॉर्ट भाई। हाँ वही गली में होते अपन तला के नीचे होने कहते। होता है वही गली में कम से कम के 20 हाथ गए गड्ढा हो गए। इतना भयंकर पानी पूरी गली मिट गई, पानी बिल्कुल बंद फटवे की संभावना है, कदम ज्यादा पानी बहस दे तो अभी तक से ना बहस जय भगवान से विनती कर रहे हैं भगवान। अबे तक तो बेचारे भी और नकुन के डैन के माँ रात रात भर जगह छत्तन पे बैठे हैं, रात रात भर पूरे गांव के आदमी अपने अपने छत्तन पे बैठे हैं। अब देखो जैसी वैसी डकुन से तनाक 2-3 दिन से तनाक वो है। अब आवाज इतने पानी की टेंशन हो गई है, जब पानी तो बहस भर लेकिन तेरे बहस में कि केवल फसल की लाए उधर ना बहस होते कि ऐसा कुछ तेरे चाय बहस। जे टेंशन हो रही बिल्कुल तला के नहीं चाहिए गाँव, अगर ज्यादा पानी वैसे तो का हो जाए पिलाने। अच्छा बहुत उगे नहीं चलो नदी है नहीं चढ़ी हुई कह रही कि खूब ज्यादा नदी जा रही है, तलाश से निकाल के पानी जा रहा है वो। बता इतनी मुसीबत, एक तो तालाब के नीचे उनको गांव बसो पूरो कहां पर है। और वो हैवी तला है उसमें पानी तो काफी ज्यादा दूर दूर से आ रहा हो तो पानी तो ऊपर एक और तला है जो वो खूब भर गया उको वाल गई में आ रहा हूँ ई को, अब जैसे ज्यादा पानी वैसे तो वो उकी संभावना है ऐसे। अरे यार तुझे तो गड़बड़ वाली बात है ना, हम का तो बम रहा तो मैं पाँव पाया तो एक पानी ना वैसा। अरे तो मतलब उको निकास तो बनो हो जे, एक जैसे कि पानी तला में ज्यादा हो जाए तो निकास बनो हो, ऐसा कछु नहीं है, है तो विला बनो है 7 साल से आज तक विला नहीं निकलो। अच्छा आपकी बार मतलब इतना ज्यादा पानी होगा वीडियो भेजो। झूठी कह रहा है जब जाते हैं ऐसी इतना पानी नहीं बहस गा हो जे एक दिन में सुख रहा दीदी तो मैं भरोसा नहीं हो रहा, देखो हम वीडियो भेजे हमने वीडियो बनाई थी तो यार उन लोगों को टेंशन तो होगी इस चीज की। देखो तुम भी जाके हम चलो हम वीडियो देख रहे हो कैसे हैं भैया, तो टेंशन करे से का हो रहा बताओ। जैसे जी टेंशन हो रही क्या लगे भगवान, देखियो
इतनी तो ने अपनी फसल की और सब कुछ की चिंता नहीं हो रही इतनी। पहले डॉक्यूमेंट से परेशान, अब आवे तलाश से परेशान। का करें तो गिलाना मतलब ऐसी जगह वो गांव बसों के घेरे में से पहाड़ियां हैं, तो डॉक्यूमेंट हर रुक गए को व्यवस्था हो जा, तालाब भी बंद हो, नदियां भी हैं कि जो कि डाकू भी तो छुप जा, तो असुविधा है। क्या कर रहे हैं तो मतलब इतनो ज्यादा मतलब वो होगा कि पानी मतलब बहुत ज्यादा है उतर पानी बहुत ज्यादा। मम्मी के अबे बात कर रही है मैंने तो एयर में लो को बहुत ज्यादा टी मचे को गई। हां ओके हैं कि इतना मम्मी भी कह रही है कि इतनी टेंशन लग रही सूस पड़ो या तो वो तो खुद जाई जब तालाब के नीचे गांव बसो पूरो और तालाब में मतलब छोटा मोटा तालाब थोड़ी है वो। ये तो ठाकुर जी से विनती कर रहे थे भगवान पानी तो बाहर साहब है लेकिन सो ज्यादा नहीं मतलब तो हिसाब से रंधे में फालतू में परेशान ना करो। तो भैया गड़बड़ है आज भी तो बहुत ज्यादा पानी गिर गो। आज आज कितना आधे के पानी से तो ज्यादा होगा तो आज 4 बजे रात से गिर रहा हो नहीं पानी वो अबे कंटिन्यू 2 बजे तक पानी गिरो जब हम छुट्टी से लौटे थे तभी से तब तब मतलब थोड़ा सा पानी कम भाव तो तभी तो आज को पानी सब रही है तो यहाँ बस अपने तो तलो तला मला को कोनो नदियन को डर नहीं है होते तो बहुत डर। तो तुम कहाँ बैठे हैं ऐसे ही अब जैसे ठीक है वो तो जो हो रहा हो सुख ही रहो खाना खा लो। तुम नहीं आए थे सो नहीं तो हम तो खाना खा के आया तुम खा लो खा ले तुम खा लो हम खाया है खाना तभी तो लेट हो गए खाना पीना खा के आए फिर अब बिलोक 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 मलोक बनवा नहीं है सो कुछ दिखा नहीं पाए सो इस वजह से लेट भी पापा मम्मी ना हुआ काफी टेंशन का भी नहीं है। अरे तो टेंशन कहाँ कर रही है यार टेंशन का ऐसा नहीं हो ठीक है कछु नहीं चलो टाइम मिले तो कल हम तुम्हें हुआ ले आए ठीक है खाना खा लो है उठ जाओ तो खाना खा लो चलो लेट भी हो रहा है 8:30 बजे जा रहे टाइम देखो हमने चलो उठो। तुम कपड़ा तो उतार तो कपड़ा उतारने दी थम तुम जाओ खाना खाओ पहला उठो। हाँ चलो फिर मम्मी पापा आने खा लो खाना सब ने खा लो तो मम्मी तो जब चावल तो लाए थे तब ही खा गई थी फिर कह रही है मैं खाना है चलो तो तुम खा लो उठ जाओ। हाँ तो गाइस जिनको तो हमने खाना खिलवा दिया है और हम तो दीदियन के तो खा के भी आए थे तो हमें तो खाना खाना नहीं है इन्होंने खाना खा लिया और ये ज़्यादा मतलब टेंशन में भी हैं तो इन्हें हमने समझा भी दो और दूसरी चीज के इनके भैया ने जो क्लिप भेजी थी तो शायद देख रहे हैं हम अगर सही हुई है तो हम आपको मतलब वीडियो के माध्यम से दिखा दें और अगर वैसी अगर वीडियो वीडियो सही नहीं बना हुई है तो हो सकता अगर हमें छुट्टी के बाद कल अगर टाइम मिल जाए तो इनकी मम्मी पापा से भी मिलवा ले आए और गाँव वाले भी मतलब डाकुगन से परेशान आज तक रहे और डाकुगन ने आज मतलब उतर से ठोर अपना छोड़ दो तो आज इनके संगे एक और समस्या आ गई इनके मम्मी पापा के संगे के पानी आने की समस्या हो गई और गांव के नज़दीक ही गाइज एक बांध है और वो मतलब उससे बहुत बड़ा भारी तालाब बंधा है तो उस पर भी मतलब अमूल एन जी इन्हें बता रहे हुई हैं कि काफ़ी दिन से ऊपर पानी नहीं आओ आज पानी आ गया उन पर ऊपर तो काफ़ी दिन से 7-8 साल हो गई तब बंद गया था मतलब हमारी शादी के पहले ही बंद गया तो वही 10-11 साल है वो। हाँ तो गाइज ये हिसाब से मतलब ठीक है टेंशन होती है थोड़ी सी तब और से हुआ है नहीं इतना तला सब लोगों को टेंशन है उस चीज की तो गाइज अगर देखो हो सकता है टाइम मिलेगा अगर हमें कल छुट्टी से आने के बाद तो हम लोग जरूर जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएं दूसरी चीज इनके मम्मी पापा से भी मिलवा लिया आप लोगों को होते हो बांध को नजारों भी दिखाएं और भी जो डांग मांग में जो डाकू वाकू हते वे भी दिखाएं कि कितने रथ थे का हते। सो चलो गाइस करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर लास्ट मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए सभी को राधे राधे।